हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप कच्ची हल्दी का आइस क्यूब बनाकर घर पर रख सकते हैं। कच्ची हल्दी हमारे स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, हेल्थ के लिए होती है। आपको पता ही होगा कि पिगमेंटेशन या फिर स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी स्किन रेमेडीज़ में या फिर हेल्थ इश्यूज़ में। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है करीब 1 ग्लास और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये पेस्ट बना के स्टोर करके रखा हुआ था। ये मैं घर पर ही बनाती हूँ तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और कच्ची हल्दी भी आप घर पे पौधा ज़रूर लगाएं। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून ये पेस्ट लिया है और मैं इसे पानी में मिक्स करूँगी और इसके बाद हम इसका आइस क्यूब बनाएंगे। तो ये आइस क्यूब्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं स्किन रेमेडीज़ में यूज़ होने वाले जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से स्टोर करके, ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रखने में ये आइस क्यूब्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर रखें। और आई नो सर्दियों में मन नहीं करता कि हम आइस क्यूब अपने फेस पे लगाएं, बट आप इन आइस क्यूब्स को अपने स्किन रेमेडीज़ में, जैसे कि अपने फेस पैक में या फिर कोई भी आप जो भी पैक बना रहे हैं अपने फेस पे यूज़ करने के लिए या फिर हाथों पे, पैरों पे, बॉडी पे यूज़ करने के लिए, आप उनमें इन आइस क्यूब्स को डालेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों को स्टोर करके रखने में वो इसकी वजह से नहीं आती हैं। तो मैं ये घर पर ज़रूर बनाती हूँ और अपनी स्किन रेमेडीज़ में यूज़ करती हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब ये आइस क्यूब बनने के लिए तैयार है।